नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फैक्ट मास्टर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जो विश्व के प्रमुख पर्वत हैं उनके विषय में। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर पर्वत के प्रकारों की बात करें तो तीन प्रमुख प्रकार हैं पर्वतों के, ठीक है। कौन से? वलित पर्वत, ब्लाक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। वलित पर्वत क्या होते हैं? जो दो चट्टाने, जो प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों के टकराने से, जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं। तो जैसे ये प्लेटें हैं, दो प्लेटें हैं, ये आपस में जब टकराएंगी तो बीच का हिस्सा उठ जाएगा, तो ये वलित पर्वत का निर्माण करेगा, तो इसे बोलते हैं वलित पर्वत। और फिर दोस्तों अगला है ब्लाक पर्वत। ब्लाक पर्वत जब टेक्टोनिक प्लेट जो है पीछे हटती हैं, ये जब पीछे की तरफ हट जाती हैं तो यहाँ पे जो है एक ये धस जाती है, भूमि धस जाती है, तब यहाँ पे एक जो है पर्वत का निर्माण होता है, उसे ब्लाक पर्वत कहते हैं। फिर अगला है ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत बस इतना जान लीजिए कि जो ज्वालामुखी के उद्गार से उत्पन्न होता है। मैं संक्षिप्त रूप से इसमें बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ से प्रश्न आने वाले हैं वही बताएंगे, वीडियो को जो है अंत तक देखिएगा जिससे वो सारी चीज़ें कवर हो जाएं। और यहाँ पे एक बात और आप लोगों को बता दूँ कि तथ्यात्मक तरीके से प्रश्न आएंगे, पर्वत जो भी पूछा जाएगा वो या तो दो देशों के मध्य होगा या फिर एक देश में स्थित होगा, इतना ध्यान रखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो महाद्वीपों से शुरू करते हैं। तो एशिया महाद्वीप में देख लीजिए, पहला पर्वत है कुनलुन पर्वत, ये चाइना में है, याद रखिएगा। फिर है पामीर पर्वत श्रेणी। तो पामीर पर्वत श्रेणी जो है वो पांच देशों में है, इसका विस्तार जो है पांच देशों में है, चाइना, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पांच देशों में पामीर श्रेणी पर्वत श्रेणी का विस्तार है। हिंदू कुश पर्वत जो है ये चार देशों में, इसका विस्तार है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, कजाकिस्तान। फिर हिमालय ट्रांस श्रेणियाँ हैं जो कि उत्तर साइड में जो है भारत के उत्तर साइड में पड़ती हैं, उत्तर साइड में हिमालय पड़ता है, चीन और तिब्बत, भूटान, यहाँ से लेकर के पूरा जो है उत्तर साइड में पूरा पड़ता है, तो इसी में जो है हिमालय ट्रांस श्रेणियाँ हैं, इतना जान लीजिए। और एक है काराकोरम, ठीक। ये नीचे के दो इसलिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये जो पांच हैं, ये पांच पर्वत जो हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये एक नॉट का निर्माण करती हैं जिसे पामीर नॉट कहते हैं, याद रखिएगा। नॉट का मतलब होता है गांठ। तो ये पांच पर्वत श्रेणियाँ जो मिलकर के पामीर नॉट का निर्माण करती हैं। फिर अगला है अल्ताई माउंटेन। अल्ताई माउंटेन रेंज जो है, अल्ताई पर्वत श्रेणी, ये चार देशों में इसका विस्तार है, कजाकिस्तान, रसिया, चीन और मंगोलिया में, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत ही अल्ताई पर्वत श्रेणी, ये ऐसे प्रश्न पूछ देगा कि अल्ताई पर्वत श्रेणी कितने देशों में जो है इसका विस्तार है, चार, पाँच, तीन, दो, तो आपको याद रखना है चार, ठीक है। फिर एक आता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो कि रसिया में है और ये एशिया और यूरोप में है, कुछ रसिया में है, यानी दोनों तरफ है, ये याद रखिएगा। इस वजह से इसको मैंने अलग रखा है। फिर अगला है टोरस पर्वत। टोरस पर्वत जो है टर्की में स्थित है। फिर है जागरोस पर्वत। जागरोस पर्वत तीन देशों में है, टर्की, ईरान, इराक में। फिर सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करें तो माउंट एवरेस्ट है, एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर। अब बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की। तो यूरोप महाद्वीप की जो सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है वो स्कैंडिनेविया है। तो स्कैंडिनेविया पर्वत श्रेणी जो है तीन देशों में इसका विस्तार है, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, ये सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है यूरोप महाद्वीप की। नॉर्वे में एक पर्वत पड़ता है जोलन पर्वत, याद रखिएगा जोलन पर्वत। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि जर्मनी में पड़ता है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी। फिर है अल्पास पर्वत श्रेणी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये चार देशों में पड़ती है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, और इसका कुछ हिस्सा जो है इटली में भी पड़ता है, चार देशों में इसका प्रमुख हिस्सा है, तो याद रखिएगा अल्पास पर्वत श्रेणी। अब बात करते हैं यूरोप की जो सर्वोच्च चोटी है वो है माउंट ब्लैक। हालांकि इस वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि सर्वोच्च चोटियाँ कौन सी हैं किस महाद्वीप में, ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। फिर यूरोप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत है पिरेनीज पर्वत।
पिरेनीज पर्वत इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। इस वजह से पिरेनीज पर्वत को याद रखना है आपको, बहुत ही इम्पोर्टेंट पिरेनीज पर्वत है क्योंकि स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा का निर्माण करता है पिरेनीज पर्वत। फिर अगला है काकेशस पर्वत। काकेशस पर्वत जो है वो तीन देशों में इसका विस्तार है, रूस, जॉर्जिया और अजरबैजान। काकेशस पर्वत को लेकर के रूस और जॉर्जिया में अक्सर जो है झगड़ा चलता रहता है, विवाद की स्थिति रहती है। जॉर्जिया कहता है काकेशस पर्वत जो है हमारे हिस्से में, रूस कहता है हमारे हिस्से में। फिर अगला है जूरा पर्वत, जिसे जूरा पर्वत भी बोलते हैं। तो जो ज्यूरा पर्वत है वो फ्रांस और स्विट्जरलैंड के मध्य है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। उत्तरी अमेरिका में जो है इसकी जो पर्वत श्रेणी है, रॉकीज पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। उत्तरी अमेरिका की ये लगभग 4800 किलोमीटर की है। और एक यहीं पे यूएसए में अलास्का पर्वत श्रेणी पड़ती है जो कि उत्तरी अमेरिका में है, जो तो अलास्का पर्वत श्रेणी जो है यूएसए में है, इसको भी याद रखिएगा। अगर राकीज पर्वत की बात करें तो ये तीन देशों में इसका विस्तार है, कनाडा, यूएसए और मेक्सिको। अगर उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी की बात करें तो सर्वोच्च चोटी जो है माउंट एल्बर्ट है। मैकेंजी पर्वत जो कि कनाडा में पड़ता है। कोस्ट पर्वत, ये उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो है कोस्ट पर्वत पड़ता है। फिर है अगला है कास्केड पर्वत। कास्केड पर्वत जो है ये अमेरिका में है। फिर है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा ये इम्पोर्टेंट है, ये यूएसए और मैक्सिको दोनों में पड़ता है। सियरा नेवादा ये सबसे बड़ा ब्लैक पर्वत है, याद रखिएगा। फिर अगला है अल्पेचियन पर्वत। अल्पेचियन पर्वत जो है यूएसए और कनाडा में है। तो अल्पेचियन पर्वत कह लीजिए या अल्पेसियन पर्वत कह लीजिए, यूएसए और कनाडा में इसका विस्तार है, यानी कि पूर्वी अमेरिका में। फिर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो है एंडीज पर्वत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह सबसे बड़ी, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। 7000 किलोमीटर जो है इसका विस्तार है 6 देशों में। 7000 किलोमीटर लंबी है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी। तो ये वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना, याद रखिएगा। तो एंडीज पर्वत सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, 6 देशों में इसका विस्तार है। तो यहाँ से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर एक दक्षिणी अमेरिका में एक और है जिसे ब्राजीलियन माउंटेन कहते हैं या सियरा दा मोंटिकोयरा कहते हैं। तो ये ब्राजील में पर्वत है। फिर अगला है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत श्रेणी है। और इसकी जो क्या कहते हैं कोस्जिको जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च पर्वत चोटी है, शिखर चोटी है। और फिर एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है दक्षिणी अल्पास पर्वत। हमने अभी अल्पास पर्वत पढ़ा था, तो दक्षिणी अगर अल्पास पर्वत आते हैं तो आपको न्यूजीलैंड याद रखना है कि दक्षिणी अल्पास पर्वत जो पाए जाते हैं वो न्यूजीलैंड में पाए जाते हैं। और अगर बात आएगी अल्पास पर्वत श्रेणी की, तो अल्पास पर्वत श्रेणी जो की है यूरोप में, कंफ्यूज मत होइएगा। दक्षिणी अल्पास की अगर बात आएगी तो वो न्यूजीलैंड में है, दक्षिणी अल्पास पर्वत न्यूजीलैंड, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अफ्रीका की। तो अफ्रीका में जो है एटलस पर्वत श्रेणी, इसका 3 देशों में विस्तार है, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनिसिया, याद रखिएगा एटलस पर्वत श्रेणी। फिर एक पर्वत है ड्राकेंसबर्ग पर्वत, यह दक्षिण अफ्रीका में है, यह पूछा भी गया था। अब बात करते हैं पर्वतों की सर्वोच्च चोटियां हैं उनके विषय में जान लेते हैं, ये भी बहुत जरूरी, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें तो यहाँ की जो सर्वोच्च चोटी है अलास्का में है, अलास्का पर्वत श्रेणी पे माउंट मैकिन्ले या माउंट डेनाली, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये एंडीज पर्वत श्रेणी में है, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। माउंट एल्ब्रुस जो है ये यूरोप की सबसे ऊंची सर्वोच्च चोटी है जो कि काकेशस पर्वत पे है, माउंट एल्ब्रुस। अगर अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में जो है किलीमंजारो जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये सर्वोच्च चोटी है अफ्रीका महाद्वीप की जो कि तंजानिया में स्थित है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय में है, 8848 मीटर। फिर अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रैंड डिवाइडिंग रेंज
यानी कि GDR, इसकी जो सर्वोच्च चोटी है वो माउंट कोजिस्को है। अगर अंटार्कटिका की बात करें तो माउंट विनिसन मासिफ इसकी सर्वोच्च चोटी है अंटार्कटिका की। तो आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट है एंडीज पर्वत और माउंट अकांकागुआ और किलीमंजारो अफ्रीका की, और भी जो केवल एक देश में पर्वत स्थित हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं, और जो दो देशों के मध्य हैं वो भी महत्वपूर्ण हैं। तो इस वजह से जो है वीडियो को रिवाइज करके भी आप देख सकते हैं। दोस्तों एक प्रश्न है आपसे, आप बताएंगे कि मुचिंगा पर्वत कहाँ पर है। मुचिंगा पर्वत आपको देश का नाम बताना है कि कहाँ पे है मुचिंगा पर्वत। चाहे तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आपको भी याद हो जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।